तो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर मिनाज अच्छा टाइट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अब आया तुहिन, तुहिन मुझे टाइट कर रहा है अच्छे तरीके से। तो तुहिन एक बार बता दो देख चेक करके कि ये किसी भी तरीके से बाहर हो सकता है। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो बहुत बिल्कुल दिल जीत ही लिया और आप लोगों ने रोप का मैजिक बहुत पसंद किया और आपने बहुत अच्छा लाइक भी किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली गाइस आज मैं जैसे कि बताया था कि अगर आप लोग लाइक कंप्लीट करते हो तो मैं रोप का मैजिक ट्रिक लेके आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं दोबारा एक नया रोप का ट्रिक दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। और एक्चुअली बहुत सारे इल्यूजन करना बाकी है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है, तो उसका काम चल रहा है। मैं बहुत जल्दी उस सारे इल्यूजन के ऊपर काम करूंगा जो आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। बट एक्चुअली आज की इस वीडियो में मैं और एक चीज बताऊंगा, सबसे पहले को देखना बहुत जरूरी है। और भाई साहब आजकल YouTube में जब से शॉर्ट स्टार्ट हो गया तो लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान हो गया है, यानी कि कोई भी बंदा किसी का भी वीडियो उठा रहा है और शॉर्ट बना रहा है और अच्छा खासा वायरल हो रहा है, और जिसका टैलेंट है उसको मौका नहीं मिल रहा है, यही बात हर जगह पर चल रहा है। तो एक बंदे ने मेरे वीडियो कॉपी किया है और देखिए वो क्या बनाया है, चलिए मैं सबसे पहले दिखाता हूं फिर मैजिक शुरू करेंगे। देखिए जादूगर इस ग्लास का सारा दूध इस कागज के अंदर डाल देता है और उसके बाद दूध को गायब कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ, जिसे जानकर आप यही कहेंगे कि यार हमें तो गजब का उल्लू बनाया गया। तो देखिए बंदा ने क्या किया, मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया था, 5 मिलियन के ऊपर व्यूज है, बंदा ने उस वीडियो से वीडियो को उठाया और अपनी शॉर्ट बनाया और कह रहे हैं कि देखिए आज मैं बताऊंगा जादूगर कैसे उल्लू बनाते हैं। तो भाई उल्लू जादूगर नहीं बनाते, उल्लू तो तुम बना रहे हो, तुम लोगों की वीडियो को कॉपी कर रहे हो और अपने चैनल पे छोड़ बता रहे हो कि मैं सिखाऊंगा। तो भाई ऑलरेडी वो मैजिक तो मैंने सिखाया, इसीलिए तो तुम सिखा पा रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई आइटम नहीं है, तुम्हारा चेहरा भी तो देखने को नहीं मिल रहा है, तुम दूसरे का वीडियो लेके बना रहे हो और लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यार मैं ज्यादातर देख रहा हूं कि ये जब से YouTube शॉर्ट आया है ना, तब से ज्यादातर लोगों को ज्यादा उल्लू बनाया जा रहा है, यानी कि किसी भी वीडियो को कोई भी बंदा उठा रहे हैं और अपनी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और अपने चैनल पर छोड़ रहा है और मिलियन ऑफ व्यूज ले रहा है या लाइक ले रहा है। तो यार हम लोग जैसे क्रिएटर को फिर क्या करें, फिर बंद कर दे चैनल, तो ऐसे भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाई मैं चाहूं तो तुम्हें स्ट्राइक भी दे सकता हूं, लेकिन चलो मैं दूंगा नहीं, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करके जादूगर बेवकूफ बना रहा है। भाई जादू एक कला है, आर्ट्स है, इसको भी सीखना पड़ता है, लोगों को मनोरंजन के लिए ये चीज होता है। तो ऐसा तुम कर रहे हो, लोगों को वीडियो उठा के तुम अपने चैनल पर छोड़ रहे हो, कह रहे हो कि उल्लू बनाएगा मैं सिखाऊंगा, तो भाई ऑलरेडी मैं सिखा दिया इसीलिए तुम सिखा रहे हो, है ना, तुम करके नहीं दिखा पाए इस चीज को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर कुछ करना हो, क्रिएट करना हो तो खुद से क्रिएट करो, दूसरे का वीडियो लेकर क्रिएट करना भी मजा नहीं आता। तो यार चलो अब मैजिक सीखते हैं। तो आज मेरे साथ मिनाज मुझे हेल्प करने के लिए और मेरे पास है 2 रोप। आप सबसे पहले मिनाज एक साइड पर पकड़ लो और दूसरे साइड खींच के दिखाते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण सा रोप है। ओके हो गया, बस इतना काफी है। अब एक रोप हम यहाँ पर रखेंगे, एक रोप को तुम क्या करोगे, मेरे हाथ को टाइट करो इस रोप से, ठीक है? हाँ अच्छे तरीके से टाइट कर दो। घुमाओ और अच्छे से टाइट करो, काफी अच्छे टाइट करना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं है, देख सकते हो अच्छा टाइट कर रहा है मिनाज, और इसका और भी टाइट कर सकते हो तो कर देना और फिर गट्ठा लगा देना 2-3। ओके हाँ, इससे ज्यादा और टाइट होगा भी नहीं, गट्ठा लगा दो और भी 2-1 गट्ठा लगा दो, एक गट्ठा से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा टाइट करके गट्ठा लगा दो ताकि खोल ना पाए। तो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर मिनाज अच्छा टाइट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अब आया तुहिन, तुहिन मुझे टाइट कर रहा है अच्छे तरीके से। तो तुहिन एक बार बता दो देख चेक करके कि ये किसी भी तरीके से बाहर हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ नहीं हो सकता। फाइनली गाइस देख सकते हो बिल्कुल काफी टाइट है। और मिनाज अब तुम्हें जो करना है वो दूसरा रोप लेना है और दूसरा रोप को हाथ के बीचों बीच डालना है इस हाथ से, या और अभी मिनाज बताओ उन दोनों साइड को अच्छे से पकड़ लो पहले, अब बताओ वो कैसे ये रोप बाहर कर सकते हो, तुम खींच के बाहर हो सकता है? नहीं होगा ना, नहीं। इधर से अगर होगा तो इधर से बॉडी आ रहा है, इधर नहीं हो सकता, इधर आएगा तो इधर भी बॉडी चला जा रहा है, तो हो नहीं सकता। और एक ही तरीके से हो सकता है वो, अगर एक साइड को तुम छोड़ते हो तो बाहर आ सकता है, इजी प्रोसेस है। बट एक्चुअली हम मैजिक से आज इसको खोलने की कोशिश करेंगे और हम सिखाएंगे भी। अभी ये 60 है हमारा, इसको पकड़ लो और हाँ छोड़ना नहीं है, और इस 60 को मेरे हाथ के ऊपर रख दो, ठीक है? हाँ गुड, कुछ अच्छे तरीके से। अब तुम उन दोनों को छोड़े तो नहीं, तो नहीं अभी नहीं छोड़ा। हाँ नहीं छोड़ा, ओके गुड। अभी इसको खींच लो एक बार जोर से, खींच के देखो, या ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। एक बार देख भी लो, देख लो, सबको दिखावे दो। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, मैंने खोला नहीं, एक बार देख लिया मिनाज ने, चेक कर लिया, चलो वही बात भी सही है, चेक करना सही रहेगा। अब उसको खींचो एक बार जोर से, ओके ठीक है ठीक है। अब आप करीब आ जाओ मेरे, और इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, पकड़ के रखना है एकदम, हाँ एकदम। और अभी करीब आ जाओ, बात करते हैं, उसको छोड़ना नहीं है बस, ठीक है, पकड़ के रखो। और फाइनली गाइस अब जो हम करने वाले हैं, मीना जब भी इस रस्सी को मैं कहूँगा खींचो, तुम खींच लेना, और खींचने के बाद जब भी इसका पेको मैं हटा दूंगा, ठीक है? 1-2-3 खींचो 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 खींचो, देखो
मैंने हाथ खोला भी नहीं, हाथ पूरा बंद है, तुम्हारा हाथ देखो ये रस्सी खोल गया। ये कैसे हुआ? देख लो, एक और बार देखो। और एक बार देखना है तो चलो यार, आप लोगों ने शायद जल्दी जल्दी में देख नहीं पाए, और एक बार मैं दिखाता हूँ। इस कपड़े को और एक बार रखो, ठीक है? ये बिल्कुल हाथ बंद है मेरा, और इस कपड़े को प्रोसेस करना है, यस ये रखना है, कपड़ा मैं हटा दूंगा, ठीक है? तुम एक बार खींचो, जोर से खींचो, क्या बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा लूज कर दो। अब हम करेंगे मैजिक, सो जस्ट वॉच, खींचना नहीं है, खींचना नहीं है, ढीला करना है, तभी तो हम मैजिक करेंगे ना। तुम छोड़ना नहीं सिर्फ उसको, पकड़ रखना। और गाइज जस्ट वन, गिर रहा है कपड़ा, गिर रहा है। ओके सो जस्ट वन टू एंड थ्री, ये देख लो गाइज। तो ये रोप कैसे हुआ? ये बाहर नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, और इतनी स्पीड में मैं हाथ को रोप के अंदर डाल भी नहीं सकता, लेकिन ये रोप बाहर हो गया है ना। यही तो मैजिक है, अब हम सीखेंगे इस मैजिक को कैसे आप कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था कि इस मैजिक को मैं सिखाऊंगा, तो आप सिखाने जा रहा हूँ, अभी तक रोप मैंने खोला नहीं। और एक्चुअली यार फटाफट वीडियो में लाइक कर दो, मैं गेन रखता हूँ इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, 5000 लाइक का। और अगर आप लाइक कंप्लीट करते हो तो फिर नया ट्रिक आने वाला है। तो यार इस मैजिक के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये चीटिंग कर रहा हूँ, ये हाथ खोल जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये खोलेगा नहीं। क्योंकि जब दूसरा बंदा आपको टाइट करके बंधेगा तो ऐसा नहीं सोचेगा कि हल्के से बांधते हैं उसको खोलना है, ऐसा भी नहीं सोच रहा है ना, क्योंकि वो टाइट से बांधेगा। तो सबसे पहले जो करना है वो है रोप से बांधना है हाथ को टाइट के, और फिर रोप को अंदर से घुसाना है। अब करना क्या होता है, वो छोड़ता नहीं साइड को, हम सबसे पहले बोलते हैं कि खींचो। अब मीनाज एक बार तुम जोर से खींचो, तो जब भी मीनाज जोर से खींचता है तो ये जो बीच का रोप है, ये वाला रोप, यहाँ पर आओ मीनाज मैं दिखाता हूँ, ये जो रोप है तुम्हारा वाला रोप, देखो ये रोप मेरे दो हाथ के बीच में आ गया, कैमरे पे हटा दो, देखो ये वाला रोप, हाथ दो, ये तुम्हारा हाथ देकर दिखाओ, हाँ ये रोप बहुत अंदर चला जाता है, खींचो, जितना खींचते हो वो उतना अंदर चला जाता है, देखो अब देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें वो रोप, यस। अब क्या करते हैं, उतना जल्दी स्पीड में नहीं खींचना है, एक बार खींच के छोड़ देना है, जैसे मैंने मैजिक करके टाइम पे बताया था। और फिर देखो ये रोप अंदर से आ गया, ठीक है, हाँ ये रोप देखो बिल्कुल अंदर आ गया, जब खींचते हो तो टाइट हो जाता है और अंदर घुस जाता है। और जब तुम थोड़ा सा ढीला करते हो, उतना टाइट नहीं करना है, तब हम क्या करते हैं, हाथ को ऐसे घुमाते हैं, और घुमाते घुमाते ऐसे करते करते ये रोप मैं इधर से बाहर कर लेता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो आया ना बाहर, वन सेकेंड मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कैमरे में एंगल में, देखो सामने आ गया, ये मीनाज का रोप है जो पकड़ कर रखे हैं, तो ये बाहर आ गया। अब मैं इसको खींच के बड़ा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा कर लेता हूँ। अब इस रोप को चाहे तो आप इस हाथ से भी डाल सकते हो इधर से, या चाहे तो आप इस रोप को बाहर करो, इस हाथ से भी डाल सकते हो, किसी भी एक साइड में डाल देना है, और डालने के बाद खींचो, देखो ये बाहर हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, दो साइड से मैंने डाल दिया था ना, ये देखो बाहर आ गया। और एक बार मैं करके दिखाता हूँ, डालो। जब भी पहली बार डालते हैं, कपड़ा ऑफ करते हैं, तो हम कहते हैं मीना जोर से एक बार खींचो, तो खींचने से क्या होता है, वो रोप अंदर से घुस जाता है, और फिर बोलते हैं कि लूज कर दो, आप करीब आ जाओ, और करीब आने से क्या होता है, ये लूज हो जाता है, यहाँ पर नहीं पकड़ना है, वहाँ पर पकड़ना है, ये बात हर बार गलत करते हो तुम। और फिर इस रोप को ऐसे घुमाते घुमाते सामने लेके आना है, ठीक है, ये देखो ये आ गया बाहर। अब इसको किसी भी एक साइड से डाल दो, जैसे कि ये देखो इस रोप को इस बार मैं इस हाथ से डाल दिया, ठीक है, और आप खींचो, ये हो गया बाहर, इजी गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा, ये जो रोप होता है जो बीच में से डालते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा रोप ले लेना, क्योंकि हर वक्त मिनाज के जैसे हर लोग करते रहते हैं, तो खींच के पकड़ कर रहते हैं, अगर ऑल टाइम खींच के पकड़ कर रहेगा ना, तो ये मैजिक आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो बड़ा रोप रखेंगे तो वो खींचेगा भी नहीं, ज्यादा करीब भी नहीं आ सकता है, रोप थोड़ा सा ढीला रहेगा, तो आप ऐसे ऐसे करके रोप को आगे आराम से ले आ सकते हो, और किसी भी हाथ से आर पार कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, आसान है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो यार ऐसे इजी मैजिक ट्रिक्स मैं इस चैनल पर सिखाता रहता हूं, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो में एक लाइक करना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में और एक मैजिक ट्रिक को बनाने में काफी टाइम लग जाता है, और ऐसे मैजिक मैं रिवील करता हूं इस चैनल में। और अगर आपको काफी मजेदार ट्रिक सीखना हो, या मैजिशियन बनने के लिए आपको मैजिक सीखना हो, तो आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम बहुत जल्दी क्लास ऑन करने वाले हैं, यानी कि ज्वाइन ऑप्शन के द्वारा हम मैजिक सिखाने वाले हैं। तो यार आप इसको खोलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस ये था आज का रोप का ट्रिक, लेकिन अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस रोप ट्रिक को देख रहे हैं, तो इससे पहले भी मैंने 2-3 ऐसे रोप का गजब का ट्रिक सिखाया है जो आपने शायद मिस कर दिया होगा, तो जाकर जरूर देख लेना, लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। और चैनल में बहुत सारा वीडियो आपको काफी मजेदार इंटरेस्टिंग मैजिक सीखने को मिल सकता है, तो जाओ जाकर देखो सीखो। और अगर आपको कोई भी मैजिक आइटम की जरूरत है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, यहां से आपको ऑल तरीके का मैजिक आइटम्स मिल जाते हैं, ये भी एक मैजिक आइटम्स है, क्योंकि इसका नाम है सॉफ्ट रोप, और इस रोप से आप बहुत अमेजिंग मैजिक कर सकते हो। तो एक्चुअली चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।